माय डियर, इस वीडियो के थ्रू जानेंगे चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज सेकेंड टॉपिक। ओके, नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। किस तरह से मैनेजमेंट को एक आर्ट बोलते हैं। फीचर्स ऑफ आर्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एंड नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। यानी हम यदि बात करें कि मैनेजमेंट में कैसे आर्ट है, दैट मींस आर्ट में कैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग करें, दैट मींस ये पूरे क्लियर हो गया कि उसमें जो भी अप्लाई की जाती है, जो भी एप्लीकेशन भी होती है, वो डिपार्टमेंटल का पर्सनलाइज्ड होती है। ऑन द बेस ऑफ पर्सनलाइज्ड दे आर डूइंग एवरीथिंग। यानी वो अपने अपने एजुकेशन बेस पर, एक्सपीरियंस बेस पर, नॉलेज बेस पर वो वर्क को और भी बेहतर बनाना चाहता है। ना यदि बात करें बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी वो प्रैक्टिस जितने करते रहते हैं उस पर कुछ ना कुछ नया चीज आते रहती है और उस तरह से वो बदलाव लाते हैं। एंड क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी बनी उठती है कि जिस जिस तरह से सिचुएशन आता है, समय बदलते जाता है, या उनके साथ जो कभी इंसिडेंट होती है, या तो कभी कभी जो प्रोडक्शन में अलग अलग डिपार्टमेंट या ऑफिशियल जो जरूरत पड़ता है, तो उस तरह से उसे बदलाव लाते रहते हैं। इंसिडेंस ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज ऑल्सो, दैट मीन्स एक मैनेजमेंट होल्डर को, मैनेजमेंट करने वाले को, बिल्कुल उनके पास जो है ना थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है। ऑन द बेस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज वो क्या करते हैं, वर्क भी करते हैं और इस तरह से और भी बेहतर बना देते हैं। नाउ यदि मैं बात करूं मैनेजमेंट एज अ साइंस, किस तरह से साइंस के रूप में भी मैनेजमेंट काम करते हैं, यानी मैनेजमेंट एक साइंस भी हो सकता है और इसमें कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक भी है। अब क्या है वो मैं जानता हूँ। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स जो भी नॉलेज को वहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज टोटली सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी पूरे कोई सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं कि जैसे मन होता है वैसे ही चल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो समराइज वे में दी है, आपको ये जो मेरे वीडियो है वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर देगा कि आपको समराइज वे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आप नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स में वेरी इजिली है, आप बाद में एक्सप्लेनेशन आपको सुनना पड़ेगा और इसे आप अपने मेन बुक से भी पढ़ सकते हो। नाउ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल आप किस तरह से प्रिंसिपल जो है, जैसा आपका एक्सपेरिमेंट है, जैसा आपके पास नॉलेज बेस है, इस तरह से आप उसको और भी बेहतर बना सकते हो। यूनिवर्सल वैलिडिटी, दैट मींस व्हाट एवर डन बाय मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट होल्डर जो भी मैनेजमेंट पर्सन है, वो जो कुछ भी वर्क करते हैं वो टोटली क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। दैट मींस सभी जगह ये जाना जाता है कि हाँ सच में जो जिन्होंने जो कुछ भी किया, इट इज गुड फॉर द अदर एंड गुड फॉर अदर प्लेस ऑल्सो। दैट मींस जो कुछ भी किया जाता है उनके प्लानिंग बेस जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रहते हैं और यह देखा जाता है कि बिल्कुल उनके द्वारा किया गया वे जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यदि मैं बात करूं मैनेजमेंट इज एन इनएक्सटैक्ट साइंस एज इट्स प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन, इट इज अ सोशल साइंस एज इट इज डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। दैट मींस जो भी इंसान होती है उनके ऊपर किस तरह से वर्क किया जाए ताकि उन्हें इनक्रेज भी किया जा सके और उनसे काम भी लिया जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह भी काम करते हैं। नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कैसे प्रोफेशन में भी वर्क किया जाता है, कैसे प्रोफेशन की तरह काम करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फर्स्ट यू हैव टू नो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या फीचर्स हैं इसके। नाउ देयर आर आई हैव गिवन हियर फाइव फीचर्स। ओके, नाउ फर्स्ट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स जो भी मैनेजमेंट रहते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उनके पास नॉलेज होती है, वो बिल्कुल इनके पास आइडिया रहती है कि किसी भी वर्कर के द्वारा, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, किसी भी लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में जो भी लेवल है इनके जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से बिहेवियर कर सकते, किस तरह से काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन डायरेक्ट, ओके, ये जो भी काम करते हैं प्रोफेशनल वर्क करते हैं, किसी से पर्सनली कोई भी अपना मैटर नहीं सुलझाते हैं। ओके, नाउ रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी, यानी जो कुछ भी काम करते हैं वो पूरे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, दैट मींस हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय द डिपार्टमेंट एंड यू कैन से बाय कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है उसे भी वो मानते हैं, फॉलो करते हैं। नाउ सर्विस मोटिव, ये देखा जाता है कि उनका सर्विस क्या है, काम क्या है, और वो अपने सर्विस को पूरा करने के लिए अपने प्रोफेशन को पूरे लगाए रहते हैं और अपने प्रोफेशन को और भी बेहतर बनाते हैं। मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बट ऑल अदर फीचर्स आर डिजायरेबल एंड नॉट कंपल्सरी फॉर अ मैनेजर। ये सही है, एक मैनेजर के लिए सब कुछ कंपल्सरी नहीं होती है कि जितने फीचर्स है वो सबको सब डिजायर कर ले, बट
बट ये विल डिफाइन बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है, उनके पास नॉलेज होती है, ऑन द बेस ऑफ नॉलेज वो क्या करते हैं, वर्क भी करते हैं। इस तरह से मैंने सेकेंड टॉपिक को भी अच्छे से समझा कि जो आपके चैप्टर किए हैं। थैंक यू सो मच।